आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाली पड़ी सतना की रवगांव विधानसभा सीट में आज घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। यहां आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में सीएम ने बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह योजना पूरे प्रदेश में लॉन्च की जाएगी, जिसके लिए सीएम ने अफसरों को योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। घोषणाओं के बीच सीएम ने कहा कि जिन लोगों के बीच रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें रहने के लिए जमीन की व्यवस्था करेंगे, शहरों में मल्टी स्टोरी बनाकर देंगे। सीएम ने कहा कि जो जमीनें माफियाओं से छुड़ाई जा रही हैं, उसे गरीबों को देंगे और कमी पड़ने पर जरूरत पड़ी तो जमीन खरीद कर और मकान बनाकर देंगे। इसके अलावा सीएम ने रगांव में इसी सत्र में कॉलेज खोलने, 18 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल खोलने, रगांव में पुलिस चौकी की जगह थाना खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने सहित खेलकूद के लिए स्टेडियम का उन्नयन कराने की घोषणा की है। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि कृषि भूमि में कोई सीमेंट प्लांट या चूना पत्थर की खदानें नहीं लगेंगी। सीएम ने मंच से ही खनिज मंत्री को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई फाइल आती है तो उसमें कैंसिल लिखकर उसे वापस भेज दे। जाति वाले हो, एससी भाई बहन या आदिवासी एसटी भाई बहन है, कई जगह गांव में छोटा सा मकान, अब बाप के चार बेटा हो गए, चारों की शादी कर दी तो बहू आ गई, बेटा बेटी आ गए, अब घर में 20-25 आदमी रह रहे हैं, सोने की जगह नहीं, खटिया धरने की जगह नहीं है कि नहीं, कई लोग ऐसे बताओ। अरे मेरी बात सही है तो बताओ, सही है कि नहीं? अब ऐसे लोग कहां जाएं? मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनदर्शन है, पीछे तक बोलो, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा, जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? क्या लग दो ही मत से आप आज उसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात तो आज रेगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले, अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। और उसकी भी योजना पूरी सुन लो, जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। इन केस मतलब अगर कहीं नहीं है, थोड़े अगल बगल में भी तो पूरी कॉलोनी भरे, और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए सामाजिक न्याय है, कई जगह गरीबों ने बताया भैया देख लो टपरिया, अब डुकना टुकरिया भी रह रहे हैं और